नमस्कार, एसपी क्रिकेट इन्फो में आपका स्वागत है। टी20 और वनडे की तरह अब होगा टेस्ट में भी वर्ल्ड कप। क्या है खबर का सच, जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। आईसीसी के द्वारा टेस्ट का बहुत बड़ा टूर्नामेंट करवाया जा रहा है, जिसका नाम है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप, या कहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का एकमात्र उद्देश्य टेस्ट क्रिकेट को बचाना है। जिस प्रकार टी20 और वनडे में वर्ल्ड कप होता है, उसी प्रकार इसे एक तरह से टेस्ट का वर्ल्ड कप भी कह सकते हैं, जो कि 1 अगस्त 2019 से शुरू होगा और पूरे 22 महीने चलेगा। जी हाँ, और 144 टेस्ट खेले जाएंगे कुल, और इसके अंदर भारत का पाकिस्तान और श्रीलंका से कोई मैच नहीं होगा। टेस्ट चैंपियनशिप आखिर है क्या, तो इसे जानते हैं। टेस्ट चैंपियनशिप में 9 टीमें हिस्सा लेगी। आयरलैंड, अफगानिस्तान, प्रतिबंधित जिम्बाब्वे को मौका नहीं मिला है। इसके अंतर्गत सभी टीमों को 3 सीरीज घर में और 3 सीरीज बाहर खेलनी है। भारतीय टीम घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और इंग्लैंड से खेलेगी। विदेशी मैदान पर टीम इंडिया वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। यह टेस्ट चैंपियनशिप 1 अगस्त से एशेज के अंदर, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होने वाले टेस्ट से इसकी शुरुआत होगी, और इसके बाद यह चैंपियनशिप जून 2021 तक चलेगी। इस दौरान टॉप पर रहने वाली 2 टीमों के बीच मैच होगा और फिर विजेता का फैसला होगा। किस आधार पर रैंकिंग जारी होगी, किस आधार पर 9 टीमों में से टॉप पर रहेंगी, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय टीम चैंपियनशिप में 6 देशों के खिलाफ खेलेगी, वह सिर्फ पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ नहीं खेलेगी। अब अपन इस बारे में बात करते हैं, चैंपियनशिप का प्लान कब बना। आईसीसी को इस चैंपियनशिप का आइडिया 2009 में आया, 2010 में इसे स्वीकृति दे दी गई। आईसीसी चाहती थी कि 2013 में इसकी शुरुआत हो जाए, लेकिन तब यह टल गई। इसे 2017 में शुरू करने की योजना बनी, लेकिन दोबारा से तारीखों को बढ़ा दिया गया। अब किस टीम का किससे मुकाबला है, कौन सी टीमें खेल रही है, उसकी जानकारी देते हैं। 12 टेस्ट खेलने वाले देशों में से टॉप 9 टीमें ही इस चैंपियनशिप में खेल सकती है। आयरलैंड और अफगानिस्तान को टूर्नामेंट में खेलने का मौका नहीं मिला। दूसरी ओर जिम्बाब्वे की टीम प्रतिबंधित हो चुकी है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में सभी टीमें 6 सीरीज खेलेगी, इनमें 3 सीरीज घरेलू और 3 विदेशी जमीन पर होगी। एक सीरीज में कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 5 टेस्ट खेले जा सकते हैं। लीग राउंड के खत्म होने के बाद जून 2021 में इंग्लैंड के ग्राउंड पर फाइनल खेला जाएगा। इस टेस्ट चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाली टीमें हैं भारत, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, वेस्टइंडीज और बांग्लादेश। अंक किस तरह से दिए जाएंगे, जी भाई ये महत्वपूर्ण सवाल है। सभी सीरीज के 120 अंक होंगे। 2 साल में एक टीम को ज़्यादा से ज़्यादा 720 अंक मिल सकते हैं। 5 टेस्ट की सीरीज में एक मैच में 24 अंक होंगे। 4 टेस्ट की सीरीज में एक मैच में 30 अंक होंगे। 3 टेस्ट की सीरीज में एक मैच में 40 और 2 टेस्ट की सीरीज में एक मैच में 60 अंक दिए जाएंगे। पॉइंट सिस्टम इस प्रकार, 2 मैच की सीरीज में एक मैच जीतने पर 60 अंक, टाई पर 30, ड्रॉ होने पर 20 और हारने पर कोई अंक नहीं। 3 मैच की सीरीज में जीतने पर 40, टाई पर 20, ड्रॉ होने पर 13.3, हारने पर 0। 4 मैच की सीरीज में एक मैच जीतने पर 30, टाई पर 15, ड्रॉ पर 10, हारने पर 0। और 5 मैच की सीरीज में एक मैच जीतने पर 24, टाई होने पर 12, ड्रॉ होने पर 8 और हारने पर कोई अंक नहीं। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, फाइनल ड्रॉ होने पर क्या होगा। फाइनल मैच ड्रॉ या टाई होने पर लीग राउंड के दौरान अंक तालिका में टॉप पर रहने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाएगा। इस तरह से पहले स्थान पर रहने वाली टीम किसी तरह खिताबी मुकाबले को कम से कम ड्रॉ या टाई कराना चाहेगी, वहीं दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम को हर हाल में जीतना होगा। तो जी हाँ, यह है टेस्ट चैंपियनशिप। भारत भी आगाज वेस्टइंडीज दौरे से कर देगा। टेस्ट को भी टी20 और वनडे की तरह देखिए, उसको भी बढ़ावा दीजिए, क्योंकि टेस्ट ही क्रिकेट की जान है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में सबको दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सब्सक्राइब जरूर 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 कर दें। मैं इस तरह के वीडियो डालता रहता हूं, तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।